लोकसभा चुनाव के महापर्व के अवसर पर हरियाणा में छठे चरण के दौरान स्थानीय मतदाताओं ने भारी संख्या में अपना मतदान किया। इस अवसर पर खास करके युवाओं में सबसे ज्यादा जोश देखने को मिला। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी भी सबसे ज्यादा देखी गई। जिला पलवल में स्थानीय मतदाताओं ने सुबह से ही भारी संख्या में लाइनों में लगकर मतदान किया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार की ओर से पहली बार सखी मतदान केंद्र व दिव्यांग मतदान केंद्र का आकर्षण बना रहा। मतदान के दौरान पूरे जिले में कहीं भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला। शाम तक मतदान केंद्रों से पलवल जिले में 64% और हथीन खंड से 70%, इसके अलावा होडल क्षेत्र से आज मतदान दिवस मना रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है पहली बार, एकदम ढंग से वोट देते हैं। क्या सोच के किसी पार्टी का निर्णय लेके आप निकले हैं या फिर अपना वोट साइलेंट रखना चाहेंगे? उस पार्टी को वोट देंगे जिसने डेवलपमेंट की बात करी है, उस पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे जिसने बेमतलब के इश्यूज उठाए हैं। और 2014 में जिसने बेमतलब के प्रोमिस किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस टाइप के झूठे प्रोमिस को वोट नहीं देना है। बस सही सरकार को चुनेंगे और उसको चुनेंगे जो एम्प्लॉयमेंट की बात करे, अच्छी इश्यूज की बात करे, जिससे देश में डेवलपमेंट होगी, ना कि बस झगड़े होंगे बेमतलब। हेट बढ़ा है 2014 के बाद, ये सब हमने देखा था, सबको पता है। इस बार वैसी सरकार हमें नहीं थी, अच्छा बदलाव थी और उसको ला के मतदान करने के लिए घर पे निकले हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मतदान करने के लिए क्या सोच के निकले थे कि बदलाव के लिए मतलब मतदान है? इम्प्रूवमेंट वगैरह, इनोवेशन वगैरह काफी चाहिए। इम्प्रूवमेंट्स के सीट में डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रही है। डेवलपमेंट के रिगार्डिंग डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए हिसाब से रिगार्डिंग। क्या नाम है आपका? सर पहली बार मतदान के लिए आप निकले, कैसा महसूस हो रहा है? काफी अच्छा महसूस हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लग रही है जो कि हम पूरा करने वाले हैं पहली बार, तो काफी अच्छा लग रहा है। बदलाव के लिए वोट डालेंगे? बदलाव के लिए वोट डालेंगे। काफी चीजों की जरूरत है, सैनिटेशन की, डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एजुकेशन सिस्टम में, तो उन सबके मद्देनजर रखते हुए वोट डालेंगे। युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी समस्या सरकार ही सॉल्व करेगी, समस्या काफी बड़ी है और इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, तो इसके मद्देनजर रखते हुए बोला। क्या आने वाली सरकार से आप उम्मीद रखते हैं? रखते हैं, उम्मीद तो हर सरकार से रखनी होती है जो आएगी, बाकी तो फिर आगे के 5 साल उनका टर्म ही बताएगा। पहली बार वोट किया है या फिर पहले भी वोट डाला? नहीं, मैंने पहले भी वोट डाला है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, हमारा अधिकार है वोट डालना और हमारी वोट काउंट होनी चाहिए, तो अच्छा लग रहा है वोट डाल के। विकासशील देश के डेवलप के लिए वोट किया है या फिर अपने पर्सनल के लिए? नहीं, डेफिनेटली तो अपनी कंट्री के लिए है। तो कैसा, एक मजबूत नेतृत्व के लिए वोट किया है? डेफिनेटली यस। आप युवा हैं, जो आपकी जो युवा साथी हैं आपके अड़ोस में पड़ोस में, तो आप जब वोट डाल के घर जाएंगे, अभी तो समय रह रहा है, तो आप उनको क्या संदेश देंगे कि वोट कैसे दिया जाए? क्या सरकार के हित में दिया जाए या आने वाली सरकार के सोच के दिया जाए? नहीं, यूथ को एक टोटल डेवलपमेंट के बारे में सोच के, सभी के बारे में सोच के दिया जाए। ये नहीं है कि जो फ्लो चल रहा है हम उसमें बहते जाए, हमें अपना भी एक सब कुछ सोच के, अपना विजन देख के और उस हिसाब से वोट देना चाहिए। सीमा जी, आज सुबह मतदान के लिए निकले, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा कि हमारे को एक चांस मिला एक और बार अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, और अपने देश के लिए जो भी हम अपना नेता चुनेंगे वो हम चाहते हैं कि हमारे सभी देशवासियों के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। तो क्या सोच के निकले थे कि सुबह बदलाव के लिए वोट डालेंगे या फिर अपने अधिकार को पूरा करने के लिए वोट? हमने तो अपना कर्तव्य पूरा किया है, बाकी आगे जो जनता सब जनार्दन जो रिजल्ट निकल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमने अपना कर्तव्य निभाया।